तारीख 3 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हरफन मौला दोस्त पॉडकास्ट का होस्ट संजीव चौहान। लेकर फिर एक इंटरनेशनल मसला, वो मसला जो है अमेरिका चीन और ताइवान की टिकड़ी के बीच का, मगर इस मुद्दे पर भगदड़ पूरी दुनिया में मची हुई है। ताइवान को पाने की बेजा हसरत पाले बैठा चीन यूं तो बीते 40 साल से अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ है, मगर चीन का यह दर्द 2 दिन से अमेरिका की एक बूढ़ी महिला ने और बढ़ा दिया है। दर्द क्या बढ़ा दिया है, समझिए चीन की नींद उड़ाकर उसका चैन ही हराम कर डाला है इस 81 साल की बूढ़ी अमेरिकन महिला ने। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। आलम यह है कि जब से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और अनुभवी महिला राजनीतिज्ञ नैंसी पेलोसी ने ताइवान की जमीन को छुआ है, तभी से करंट के जोरदार झटके चीन के बदन को लग रहे हैं। इन झटकों से पैदा होने वाले कंपन की हालत यह है कि चीनी हुक्मरानों को 2 दिन से ना नींद आ रही है ना भूख प्यास लग रही है। एक बुजुर्ग महिला के सामने ये आलम तो उस चीन का है जो चीन एटम बम गोला बारूद के बलबूते दुनिया हासिल करने के ख्वाब पाले बैठा है। अब सोचिए कि अगर किसी बुजुर्ग अमेरिकी महिला की ताइवान यात्रा ही चीन को बेहाली बदहाली के इस आलम में लाकर पटकने की कुव्वत रखती है, तो फिर चीन और अमेरिका का युद्ध क्षेत्र में आमना सामना होने पर चीन की तबीयत किस कदर बिगड़ने का अंदेशा पुख्ता हो रहा है। दुनिया में चीन सा महामक्कार परमाणु ताकत का मालिक देश, एक अदद नैंसी पेलोसी किसी बुजुर्ग अमेरिकी महिला के अपने पड़ोसी देश यानी ताइवान में पांव रखने की धमक बरसे इस कदर हिल और कांप उठेगा, इसकी उम्मीद तो जमाने में चीन से गैरों की बात छोड़िए उसके अपनों ने भी कभी नहीं की होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की इस यात्रा से दुनिया गदगद और चीन नाकाबिले बर्दाश्त गम में है। कड़वा सच तो यही है, बाकी इससे आगे की सब कुछ सोचना और समझना आपसे अपने हर दिल अजीज बेशकीमती काबिल श्रोताओं के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं कि अपने सिर के ऊपर हो रहे इस अमेरिकी तमाशे से हलकान चीन ने न केवल ताइवान को बर्बाद कर डालने की कीड़ भपकी दे डाली है, वरन अपने इस बुरे वक्त में खुद से ही जूझते और अकेले ही खड़े होकर चीख चिल्ला रही चीन ने उस अमेरिका तक को हवा में हड़का दिया है जिस अमेरिका ने 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कबूतर खाने में किसी जख्मी तीतर की मानिंद कई साल से जान बचाकर छिपे पड़े दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन और अपने दुश्मन नंबर 1 अलकायदा के नंबरदार अल जवाहिरी को अपनी छत पर बैठे बैठे ही घेर कर उसका बदन मिसाइल से चीर कर हमेशा हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया, बिना किसी बम बारूद के इस्तेमाल और बिना किसी चीख पुकार शोर शराबे के। मतलब जो अमेरिका चीन से अपने घाक दुश्मन को चीन के ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मतलब परस दोस्तों की जमीनों से ही घेर कर ठंडा कर दे रहा हो, बौखलाने में चीन उसी अमेरिका को धमकाने की गलती करने पर भी उतर आया है। एक अदद अमेरिकी बुजुर्ग सीनेटर नैंसी पेलोसी से जन्मे खौफ के चलते, पहले तो चीन चीख चिल्ला रहा था कि अगर नैंसी पेलोसी ने ताइवान की जमीन छुई तो खून खराबा हो जाएगा, इसके बदले में चीन का एक भी कदम दुनिया में कोहराम मचा देगा। नैंसी पेलोसी इसके बाद ताइवान में अब पहुंच भी चुकी हैं, बावजूद इसके चीन अब भी भीड़ में खड़ा खड़ा अकेले ही रो चीख चिल्ला रहा है। सवाल यह है कि चीन धमकी आखिर क्यों खेल रहा है अपने ही घर में बैठकर? उसे जो कुछ नुकसान ताइवान और अमेरिका का करना है या अगर उसकी कुछ कुव्वत है तो फिर वो अपनी मनमानी कर क्यों नहीं डालता? बात जहां तक दुनिया का दादा बनने की हसरत पाले चीन की हकीकत बताने की है तो इस सबको पता है कि चीन दुनिया में किसी पंचर हवाई जहाज किसी हालत वाला देश बनता जा रहा है, जो देखने और सुनने में तो भीमकाय हवाई जहाज सा ही दिखाई देता है, मगर पंचर होने के कारण वो उड़ कभी नहीं सकता। ये बात ताइवान और अमेरिका भी अब समझ चुके हैं, लिहाजा चीन की चीख चिल्लाहट से अमेरिका ताइवान बेफिक्र और अमेरिका ताइवान की हर सांस से चीन की बेचैनी बढ़ रही है। चीन का चैन लूटने वाली मैं उन्हीं नैंसी पेलोसी का बेबाक जिक्र यहाँ कर रहा हूँ जिनकी ताइवान यात्रा को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीवो पर एकदम से यूजर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। पेलोसी पर बहस और चर्चा के बीच तूफानी गति से यूजर्स की बढ़ी तादाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ही क्रैश कर डाला। सोचिए, अमेरिका की कोई इस कदर की पॉपुलर अनुभवी बुजुर्ग महिला ही सही अगर चीन की सीमा पर खड़े होकर अंगड़ाई भी ले देंगी तो चीन की बेचैनी का आलम क्या होगा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मची मारामारी को लेकर पॉडकास्ट में पेश खरी खरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त
संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।